चलते हैं भीलवाड़ा की ओर, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी की जनसभा को पूर्व सीएम अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। सब पार्टी अध्यक्ष जी ने, ज्योति जी ने कह दी, सीपी जोशी साहब ने खुद ने कह दी, आप अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, क्या हो रहा देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में है, डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की ध्वजा उड़ रही है, लोग कहते आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये खतरा मंडरा रहा देश पर, इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा करप्शन हुआ है कि इस एक इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ से सरकार जा सकती है, देश में हो सकती है। अगर अमेरिका होता तो पता नहीं राष्ट्रपति को इस्तीफा देना क्या मांग करो, ईडी बेरो घर में छापा डालो, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, एक तो कंपनी दिए 500 करोड़ के दिए, एक ने दिए 800 करोड़ दिए, आप बताओ छापे डाल जाके पैसा दे रहे हो और फिर भी मोदी जी उनको डिफेंड कर रहे हैं कि देखो ये तुमने ऑफिशियली पैसा दे दिया है, पहले क्या होता था। चिंता लगी हुई है, बहुत बड़ी चिंता देश के सामने, बहुत बड़ी चिंता, ये कोई कहने के लिए नहीं कह रहे वोट देने के लिए, ना कोई राजनीतिक बात कर रहा, खतरा बहुत बड़ा है, सब ने कोशिश करो, जनता भी नहीं समझ पा रही है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही राजनीति कर रहे वोट दे रही है, जब लोकतंत्र का चुनाव होगा ही नहीं तो मिट्टी काय की होगी। आज तो गांधी ने, नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, अम्बेडकर ने संविधान दिया कि मीटिंग करनी पड़ती गाँव गाँव में, सब हाथ लगाना पड़ता गरीब से गरीब आदमी को, प्रधानमंत्री हो चाहे हो, मुख्यमंत्री हमें ये हो गया सरपंच गाँव का, वोट मांगना पड़ता है, मान सम्मान का गरीब आदमी का, क्या होगा अगर चुनाव नहीं होंगे तो, ये भाषा बोली जा रही है बहुत खतरनाक भाषा बोली जा रही है। इतने हाथ जोड़ के आवाज करना चाहूँगा, ये मीडिया वाले तो क्या है दबाव के अंदर है, ये गोदी मीडिया है, कोई नहीं दिखाता आप लोगों को, मैं बोल तो रहा हूँ, ये कुछ लोग दिखाएंगे, इतने लोकल मीडिया वाले दिखाएंगे, लोकल मीडिया वाले दिखाएंगे, राष्ट्रीय मीडिया वाले दबाव में है, समझो बात, सोशल मीडिया बहुत बड़ा काम कर रहा है, उनमें हिंदी भाई लोग हैं, कोई मीडिया वाले ही है, पत्रकार साहित्यकार लेखक है, अच्छे विचार विमर्श करते हैं, आप लोग उनको देखना चाहिए यूट्यूब के अंदर, इतने अच्छे से डिस्कशन होते हैं उसके अंदर, आप देखो उसको वार्षिक नजर तो आएगी आपको, देश में हो क्या रहा है, खुद ही मीडिया नहीं दिखा रहा है ना दिखाएगा, और बिना उनके काम नहीं चल सकता, कांग्रेस का शासन था, यदि मीडिया दिखाता दिल्ली वाला, लिखते अखबार वाले, उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है अखबार वालों, लिखने वालों की, गांव वाले कहते छपावा है, छपावा मतलब ये तो सही हो गई होगा चाहे वो कितने गलत हो, तो ये मीडिया के बगैर इश्यू नहीं बनता है, इश्यू नहीं बनता तो जनता भ्रमित रहती है, और कभी लोकतंत्र खत्म हो गया तो इतिहास इन मीडिया वालों भी माफ नहीं करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, खत्म आ गया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत खतरनाक स्थिति में गुजर रहे हैं सब ने।